आज हम देखेंगे कार्ड स्प्रेड फॉर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड मैसेज ऑन योर हेल्थ एंड स्पेशल मैसेज फ्रॉम द आर्कएंजल माइकल। तो आज का जो स्प्रेड है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है या हर वो इंसान के लिए जो इस टाइम मेरा वीडियो देख रहा है। तो आपने जो पहला कार्ड है वो हमें बता रहा है कि आपने अभी जान लिया है कि दैट योर ट्विन फ्लेम द हायर सेल्फ ऑफ योर ट्विन फ्लेम लव्स यू, टेक केयर ऑफ यू एंड दैट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ताकि आप उनकी फिक्र ना करें इस बारे में। अब आपने क्योंकि अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, इनर वर्क किया है, तो इस बारे में थोड़ी एश्योरेंस आपके अंदर आ चुकी है। इसी तरह एक और मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने किसी जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए चिंतित हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है आप उनके बारे में चिंता ना करें, उनकी डेथ पर अभी शोक ना मनाएं क्योंकि वो ऑलरेडी पीस में हैं, इसलिए तसल्ली रखें। जो आप जो भी अपनी ट्विन फ्लेम की जर्नी में गुजर रहे हैं इस समय आप अंदर से जानते हैं कि सच्चाई क्या है, तो ये आप अगर समझते हैं तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज़ अपने इनर चाइल्ड को खुश करने के लिए आप इनर चाइल्ड थेरेपी या जो भी आपके पास गाइडेड हीलिंग मेडिटेशन है आप उसका यूज़ करें, बिकॉज आपका इनर चाइल्ड विल बी वेरी हैप्पी वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड दिस इज़ द मैसेज फॉर दैट ऑलरेडी द डिवाइन पावर इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू। सो द नेक्स्ट मैसेज इज़ फॉर योर हेल्थ। तो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़े से परेशान हैं या आप थकावट महसूस करते हैं, लेथार्जी महसूस करते हैं, तो आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है दैट गो फॉर ए बॉडी मसाज, हेड स्पा और फुट मसाज, सो दैट इट कैन बी वेरी सो दैट इट कैन रिलैक्स योर माइंड एज वेल, बिकॉज जैसे ही हमारे फिजिकल बॉडी में काम होता है हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास आज एक स्पेशल मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, वो आप सभी के लिए है कि आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को लिखना शुरू करें। अगर आप ऑलरेडी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक आपको उसकी इम्पॉर्टेंस समझ आ गई होगी, और अगर आप इसके लिए कैजुअल अप्रोच लेके बैठे हैं या अभी आप नहीं लिख रहे हैं तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपनी थॉट्स को डायरी में लिखना शुरू करें। जब हम किसी चीज़ को कागज़ पर उतारते हैं तो हमें अपने बारे में बहुत सारी इनसाइट मिलती है, और कई बार जो डिसीज़न हम ले नहीं पाते हम वो भी ले पाते हैं क्योंकि क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपकी सोल के लिए बहुत ही हीलिंग होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इस कमेंट यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं और उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछते हो तो आप मेरे से प्राइवेटली इन टच हो सकते हैं।